हेलो क्लास थर्ड, मेरे लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत पाठ पांच संज्ञा पाठ के अंतर्गत जो है मैं आप लोगों को संज्ञा के भेद के विषय में बताऊंगी। जैसे मैंने बताया ना कि संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह संज्ञा के पांच भेद होते हैं। इन पांचों भेदों के विषय में आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी और लिखवाऊंगी, फिर इसी से संबंधित होमवर्क भी आप लोगों को दूंगी। तो सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति, किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, आदि के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ना महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, ताजमहल एक विशेष स्थान का नाम, स्थान का नाम है, इमारत का नाम है, आगरा एक विशेष जगह का नाम है, ना। तो इस तरह व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी प्राणियों, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल ना, तो फूल में किसी विशेष फूल का नाम नहीं लिया जा रहा, फूल में सारे फूल आ जा रहे हैं, कोई भी हो, चंपा हो, चमेली हो, गुलाब हो, सारे फूल ना, तो यह पूरी फूल जाति का बोध करा रहा है। पक्षी जो है पूरी पक्षी जाति का बोध करा रहा है। पशु पूरी पशु जाति का बोध करा रहा है। लड़की पूरी स्त्री जाति का बोध करा रही। लड़का पूरी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो इस तरह किसी विशेष जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। क्या है भाववाचक संज्ञा? देखिए भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, बचपन, लंबाई, सुंदरता, गोरा, काला आदि। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी है, सोना, चांदी, लोहा आदि। फिर है समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, भीड़, सेना, ये सभी बहुत सारे लोगों का झुंड होता है ना, तो इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आइए अब क्लास वर्क देखते हैं। देखिए क्लास वर्क के अंतर्गत पहला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उत्तर है जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, बोध का अर्थ होता है बच्चों ज्ञान होना, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, आगरा, मोहन आदि। फिर प्रश्न दूसरा है
की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे फूल, पक्षी, पशु आदि। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर एक और दो आपका क्लास वर्क है, आप लोग डिटेल में क्लास में लिखिएगा और याद भी करिएगा। आइए अब होमवर्क देखते हैं। गृहकार आपका है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। दूसरा प्रश्न है गृहवाचक संज्ञा की संज्ञा किसे कहते हैं। प्रश्न तीसरा है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, भाववाचक संज्ञा पहले प्रश्न के उत्तर में हेडिंग डालिएगा, भाववाचक संज्ञा होमवर्क में। जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, दशा आदि के नाम का बोध हो उसे उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अच्छाई, बुराई, लंबाई, मोटाई आदि। फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा और लिखिएगा जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, सोना, लोहा आदि। फिर प्रश्न तीसरे के उत्तर में लिखिएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखिएगा जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सभा, भीड़, सेना आदि। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके साथ ही फिर मिलेंगे, थैंक यू।